किशनगंज में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई हिस्सों में बाढ़ आ चुकी है। बूढ़ी, कनकई, रतवा और मेची नदियों के उफान से बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस चुका है। प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान दिघल बैंक से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला ने बाढ़ के दौरान बच्चे को जन्म दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किशनगंज पुलिस ने देवदूत की तरह मौके पर पहुंचकर मां और नवजात बच्चे का रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ की पूरी टीम भी मौके पर मौजूद थी और महिला तथा नवजात को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। महिला सीसा बाड़ी आदिवासी टोला की रहने वाली है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किशनगंज और अररिया के सीमा क्षेत्र में कनकई नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ आई है। कोचा धामन के मजकुरी और जोकीहाट के डकैता गांव में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में तेजी से जुटा हुआ है ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आप लोग क्या कर रहे हैं?